वो जा रहा है एकदम सोचते हुए, आज तो मजा चखा ही देंगे इसको, आगे टीवी पड़ता है सर। तो वापस से आ गए हम लोग घर बैठे बैठे वीडियो बनाने। तो मेरे को बहुत लोग पूछ रहा था कि कैसे शॉट लें, कैसे वीडियो बनाएं, कैसे सिनेमैटिक वीडियो बनाया जाता है, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो मेरा सिंपल सा आंसर ये है, जितना भी क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवीज है, दबंग 3 नहीं, रेस 3 नहीं, जैसे गॉडफादर टाइप्स, फाइट क्लब, तो ये सब मूवी देखने से हम लोग को स्टोरी टेलिंग पता चलता है, हम लोग को फिल्म मेकिंग के बारे में पता चलता है कि कैसे एक मूवी बनता है और कैसे वो डायरेक्टर हम लोग को मतलब मूवी के अंदर ऐसे बांध सा देता है कि हम लोग को देखने में मजा आता है। तो मेरे पास कुछ मूवीज के लॉन्ग टेक्स का मोन्टाज है जो सिंगल टेक है, दीपू एडिट करके मेरे को भेजा है। और मेरा भी फिल्म मेकिंग कुछ खास नहीं है, अभी सीख रहे हैं और बहुत सारा चीज सीखना बाकी है। और आज मेरे प्यारे लैपटॉप पर वो सीन सब पे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहला क्लिप है सेरेनिटी का ओपनिंग सीन, धमाकेदार स्टार्टिंग। अच्छा डायलॉग। This is the captain. Part will happen pretty definitely. We're gonna explode? I don't want to explode. Shane, how many weapons you planning on taking? You only got the two arms. Well, I just get excited as a choice, like to have my options open. This boat is my home. You all are guests on it. Guests? Now I earned my passage, Captain. And it's time your little sister learned from your fine example. She's a 17-year-old girl. A mentally traumatized 17... She's a reader. Zoe, Wash gonna straighten this boat out before we get flattened? Like a damn feather, sir. No one flies like my mission. River. I know. Going for a ride. तो सबसे पहले कोरियोग्राफी तो बहुत एपिक था। मेरे को पता नहीं कि वो शेक कैसे किया गया था, वो इफेक्ट तो ऐसा था कि शिप पर अटैक हुआ है, लेकिन मेरे को एक्चुअली में नहीं पता कि वो कैसे उसको अचीव किया गया था। और दूसरा मेरे को यहाँ पर लगा कि एक हिडन कट है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कैमरा में एक जगह जूम भी हुआ। जनरली ऐसा नहीं होता है, अगर आपको वाइड लेंस से टेलीफोटो पर चेंज करना होता है तो वो आप लेंस चेंज करते हैं, ना कि वो जूम लेंस होता है और आप वाइड से टेलीफोटो पर जा सकते हैं। लेकिन इसमें और एक जगह क्या हुआ कि कैमरा ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक गया, लेकिन पूरा ऊपर तक नहीं गया। जब वो फायर ब्रिगेड वाला होता है, उस पे ऐसे करके खड़ा हो गया होगा और फिर वो उसको ऊपर कर दिया होगा शायद। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पर और देखते हैं। जो दूसरा वाला लॉन्ग टेक है वो है टॉम यंग गूंग मूवी से, और स्टेयरवे फाइट सीन तो देखते हैं। ये वाला मेरा देखा हुआ है, ये इससे याद आया मेरे को। अभी सीढ़ी से ऊपर जा रहा है। बहुत ज्यादा कोरियोग्राफी का जरूरत पड़ेगा, मतलब पड़ता है ऑब्वियसली। ओ ओ नाइस, अभी तक चल रहा है। इसका एक्टिंग थोड़ा खराब है, 4 मिनट लंबा फाइट सीन। तो मेरे को सबसे अच्छा पार्ट इस वाले लॉन्ग टेक का क्या लगा कि वो रूम में घुसता है
मारता है सबको और वापस कैमरा पीछे जब मुड़ता है तो गुंडा लोग आता है, फिर जब वापस सीधा होता है तो देखता है वो वहाँ है ही नहीं, और फिर जब गुंडा लोग वापस जाता है रूम से फिर हम लोग को पता चलता है कि वो ऊपर में है। इस वाले सीन को कोरियोग्राफ करने में कम से कम नहीं तो एक महीना का टाइम लगा होगा, लिख के देते हैं। इतना बड़ा लॉन्ग टेक, इतना सारा रिहर्सल हुआ होगा इसका, और प्लस प्रॉप्स भी इतना है। वो बेसिन तोड़ के उसको अगर फेंकने वाला रहता है वो घुटना घुसा देता है बेसिन में, बेसिन फूट जाता है। स्टंटमैन लोग के ऊपर बहुत सारा पैडिंग होगा, बहुत सारा वायर वर्क होगा जो इतना ऊपर से वो लोग गिर रहा है, तो इतना तो मेरे को पता है। अब तीसरा वाला पे आता है, तीसरा वाला है गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 का ओपनिंग सीन। जो लोग नहीं देखा है गैंग्स ऑफ वासेपुर वो लोग जाके देखना, मेरा देखा हुआ है गैंग्स ऑफ वासेपुर दोनों पार्ट, लेकिन तब भी एक बार देखते हैं और आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या डिटेल्स आप लोगों ने मिस कर दिया है। कैलेंडर, जैसा सब घर में रहता है वैसा कैलेंडर। तो जैसा मेरे को याद आ रहा है ये और भी लंबा सीन था, लेकिन इसमें इतना ही है तो इतने ही पे रखते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली बहुत लोगों ने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा होगा आप लोगों में से। और इस सीन का सबसे बेस्ट बात ये है कि ये सेकंड पार्ट में रिक्रिएट किया जाता है इसको, और दूसरे पर्सपेक्टिव से, तो सारा टाइमिंग मैच करना और उसके बाद सारा कुछ फिर से शूट करना दूसरे एंगल से बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है। एक एक चीज को मैच करना पिछले और आगे वाले से, बॉम्ब ब्लास्ट से लेके सारा गन का फायर तक। और इस सीन में सबसे बेस्ट चीज मेरे को ये लगा कि कैमरा दुकान से बाहर निकलता है और उसी टाइम गाड़ी आता है, और तो और सुल्तान पंकज त्रिपाठी क्या एक्टिंग, ओहो भगवान। तो अब आते हैं सेकंड लास्ट पर, यह क्रीड का एंडिंग फाइट सीन। क्वेश्चंस फ्रॉम द रेड कॉर्नर, टच हिम अप, बी रेडी इन सेकंड्स आउट। पूरा बॉक्सिंग मैच सिंगल टेक। मेरे को मूवी देखने का मन कर गया। ये वाला सिंगल टेक में मेरे को लग रहा था कि दो या तीन जगह हिडन कट है, यहाँ पर। मेरा क्रीड देखा हुआ मूवी नहीं था और ये फाइनल सीन था तो थोड़ा सा स्पॉइल हो गया। पूरा बॉक्सिंग मैच सिंगल टेक था, शायद कुछ हिडन कट्स के साथ। और इसका सबसे खास बात मेरे को ये लगा कि ऑडियो टीम और कैमरामैन लोग, आपको जितना कुछ दिख रहा है स्क्रीन पर कैमरा के पीछे उतना ज्यादा लोग भाग दौड़ कर रहा है। अगर कैमरा इधर मुड़ता है तो वो लोग को भाग के ऐसे आना पड़ता होगा, और कैमरा इधर मुड़ता है तो वो लोग भाग के ऐसे आता होगा। नेक्स्ट वाला सीन है नेटफ्लिक्स के डेयर डेविल का सीजन 1 हॉलवे फाइट। डेयर डेविल मेरा नहीं देखा हुआ है। ये मेरे को पता है कि ये अंधा रहता है, मतलब ब्लाइंड, अंधा थोड़ा ऑफेंसिव लगता है।
सबसे पहले सबसे मस्त चीज मेरे को लगा कि उसके ऊपर टीवी आके लगता है। वो जा रहा है एकदम सोचते हुए आप तो मजा चखा ही देंगे इसको, और आगे टीवी पड़ता है सर। और एक चीज और अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, जैसे ये वाला जो सीन है ये कैमरा के साइड से बाहर चले गया और उसके बाद उठ के आया वापस, तो यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है कि बहुत अच्छा चांसेस होता है कि एक्टर से स्टंट डबल रिप्लेस हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली ये जो घुसने के बाद जो बाहर निकला है वो मेन एक्टर नहीं होके स्टंट डबल हो सकता है, और क्योंकि लास्ट में भी ये इसको पंच मारता है यहाँ पर, ये शायद जानबूझकर रूम में जाता है क्योंकि फिर स्टंट डबल से वापस वो एक्टर रिप्लेस हो जाता है। इसमें भी मेरे को लगा कि हिडन कट है जहाँ पर ये ब्लैक सीन आता है स्टार्टिंग में। तो अगर आपको फिल्म मेकिंग सिनेमाटोग्राफी सीखना है तो आपको मूवी देखना पड़ेगा, और मूवी को ध्यान से देखना पड़ेगा, अब्सॉर्ब करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन मूवी के स्टोरी के साथ। और इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। हो सकता है वीडियो लंबा हो लेकिन मेरे को भी कुछ सीखने मिला, हो सकता है आपको भी कुछ सीखने मिला हो। और इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना उन लोगों से जिनको फिल्म मेकिंग पसंद है या जिनको मूवीज पसंद है इन जनरल। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। तो कैमरा दूर है।